हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैंने एक हेयर मास्क यूज़ किया है, वही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये मास्क मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, बालों में शाइन देख सकते हैं। इसको किस तरह से तैयार किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक चम्मच मेथी दाना ले लिया है, इसको मैं ओवरनाइट भिगो के रख दूँगी। मेथी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इसको मैं ओवरनाइट इसलिए भिगो कर रख रही हूँ क्योंकि मेथी की तासीर बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है और गर्मियों का सीज़न है तो सुबह तक इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं मॉर्निंग में इस तरह से हो गया था, ये इसने अपने अंदर कितना सारा पानी अब्जॉर्ब कर लिया है और ये अच्छे से फूल गया है। यहाँ पर मैंने करी पत्ते ले लिए हैं, इनको भी मैं मेथी के साथ ही पेस्ट बनाऊँगी। करी पत्ते भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, ये ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्सर के जार में डालकर अच्छे से पेस्ट बना लूँगी और पेस्ट मुझे क्रीमी बनाना है, दरदरा नहीं रखना है, दाना बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए वरना बालों में फंसेगा तो बाल टूटने का डर रहता है उससे। तो इसको अच्छे से क्रीमी पेस्ट बना लेना है। मैं इसको ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको किस तरह से करूँगी तैयार, तो आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने पीसने के बाद इस तरह से पेस्ट को तैयार किया है। अभी इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा थिक है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल या फिर कुछ भी मिल्क वगैरह या छाछ वगैरह डालकर पतला कर सकते हैं। आप दही भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं भूल गई थी आपके साथ शेयर करना कि मैंने क्या ऐड किया है। मैंने इसमें दही ऐड किया था। तो यहाँ पर मैं बालों को दो साइड में डिवाइड कर रही हूँ और अच्छे से लगा लूँगी ऐसे ही अपने हाथों से। दोस्तों मेथी हमारे बालों की ग्रोथ के बहुत अच्छा होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है जो हमारे बालों को झड़ने से बचाती है और हमारे बालों को बढ़ने में मदद करती है। करी पत्ते में भी प्रोटीन, विटामिन और बीटा कैरोटीन जैसे बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और हमारे बालों को जड़ों से मजबूत बनाते हैं, बालों को खूबसूरत दिखने में भी मदद करते हैं। अदरक हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बालों को झड़ने से रोकता है। गर्मियों में तो रूसी नहीं होती है बट ये रूसी को भी कम करता है, बालों को रूखापन जो हो जाता है बालों में उसको दूर करता है, बालों को शाइनी बनाता है और बालों में जो ब्लड होता है ना, बालों का जो ब्लड होता है उसको सर्कुलेट करता है ताकि हमारे बालों को बढ़ने में उससे बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। तो इसी तरह से मैं थोड़े थोड़े बाल लेकर अच्छे से अपने हेयर में लगा लूँगी, इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। दोस्तों इस हेयर मास्क को मैंने ना आज दूसरी बार यूज़ कर रही हूँ, 2 बार में ही मैंने इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस किया है अपने बालों में। इसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है अपने बालों पर और इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, 10 या 15 मिनट के लिए। इसको पूरी तरह से सुखाना नहीं है, थोड़ा गीला रहे तभी धो लेना है सर। यहाँ पर देखिए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं लगा के, मैं धोकर आ चुकी हूँ। आप मेरे बालों की शाइन देख सकते हैं किस तरह से है, ये मुझे अपने बाल बहुत ही अच्छे लग रहे थे। आज ही मैंने अपनी बेटी के बालों में भी लगाया था यही पैक और यही मैंने अपने बालों में लगाया है, मुझे अपने बाल बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। जो तीनों चीज़ें मैंने अपने हेयर मास्क में यूज़ की हैं वो तीनों चीज़ें आपके लिए वरदान साबित होने वाली हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, बालों में नमी बनी रहेगी, पसीना वगैरह आएगा तो टूटने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप इस हेयर मास्क को एक बार ज़रूर लगा के देखिएगा। ये हेयर मास्क गारंटी के साथ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इसके जो फ़ायदे हैं बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। आप लोग सोच नहीं सकते कि आपके बालों को किस तरह से ये प्रोटेक्ट करेगा, गिरने से, टूटने से बचाएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि मैं अपना अगर न्यू वीडियो कोई अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच जाए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है ये मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया है तो इसी तरह की और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, मैं आप
कोशिश करूँगी कि इसी तरह की वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।